हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी सर्कल। जी हाँ, आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 12th NIS हिंदी, जिसका कोड है 301, उसके सॉल्व TMA की। जी हाँ, सॉल्व TMA, जिसमें आपको सारे के सारे हिंदी के आंसर्स में प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। सेशन है 2019 से 20 अक्टूबर वाले बच्चों के लिए ये वीडियो स्पेशली है, क्योंकि इसमें जो भी अक्टूबर वालों के क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी के आंसर्स मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है। नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक में जो है, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का आंसर आप लोग फिर भी ढूंढ के कर लेते हो, बट जब बात आती है 6 नंबर के क्वेश्चन की, जो कि आपका प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग उसमें आकर अटक जाते हो। तो वीडियो में मैं आपको ना केवल शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगी, और साथ ही साथ आपको सही तरीके से प्रोजेक्ट वाला आंसर भी आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है बाद में देखने के बाद, तो बिना लाइक किए बिना तो जाना ही मत आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 40 से 60 वर्ड्स में देना है। दैट मीन्स आपका ये है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसके 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। वर्ड लिमिट 40 to 60 है। देखिए, आपको पता होगा कि हर एक क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से आपको एक को चूज करके उसका आंसर लिखना पड़ता है। तो यहाँ मैंने दोनों ऑप्शन खे और खे दे रखे थे, उसमें से खे को सिलेक्ट किया है, उस क्वेश्चन को लिख दिया है कि भी आपने रैदास का पद जिस कुल साधु बैसनी होए ये पढ़ा, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर कुछ यहाँ से है आपका, स्टार्ट हो रहा है। आप लोग जो है बिल्कुल ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, या फिर जो है इसको हैंड हैंड कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से थोड़ा सा और है आपका, यह आंसर यहाँ तक है बेसिकली। देखिए, वर्ड लिमिट 40 to 60 है, बट हम थोड़ा ज़्यादा ही लिखेंगे, कम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कम लिखने से हमारे नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। तो कोई नहीं, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देते हैं। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि भाई निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 60 वर्ड्स में देना है। मतलब फिर से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको इस पूरी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9312777273। वहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट की, बल्कि साथ ही साथ इससे पहले जो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं सॉल्व असाइनमेंट्स की, सॉल्व TMA की, तो उन सभी की PDF फाइल आपको आराम से मिल जाएंगी। WhatsApp ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ भी मैंने आपको नंबर बता दिया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी WhatsApp ग्रुप से जुड़ने का, तो आप लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो आप जो है ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने खै को सिलेक्ट किया है, भाई राजेंद्र उपाध्याय की कविता कठपुतली आपके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ रखती है, आप इन चुनौतियों का सामना कैसे करोगे। तो आंसर कुछ इस तरीके से आपका स्टार्ट होता है कि राजेंद्र उपाध्याय की कविता बहुत सी चुनौतियाँ हमारे सामने रखती है, जैसे कि नारी को बांध कर रखने की, या उन पर अनावश्यक बंदिशें लगाने पर, या फिर नारी को अपने से नीचा समझने पर, इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक आप पहले लिखेंगे, फिर आगे बढ़ लेते हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको। और भी है आपका कुछ यहाँ से है, जिस प्रकार कठपुतली को बांधकर फिर अपनी मर्जी से नचाया जाता है, वह स्थिति आज औरतों की हो गई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको लिख सकते हो, 1-2 लाइन इसमें आप कम भी कर सकते हो, क्योंकि पता है मुझे कि थोड़ा सा आपका आंसर एक्स्ट्रा हो गया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिर से कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 वर्ड्स में देना है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो आपके 2-2 नंबर वाले होते हैं, ठीक है। तो तीसरा भी आपका 2 नंबर वाला ही है। यहाँ पर मैंने कै को सिलेक्ट किया है, भाई एक था पेड़ और एक था ठूंठ, इस पाठ में लेखक ने जीवन में सामंजस्य और समन्वय पर बल दिया है, तो इस बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। तो आंसर आपका कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर सकते हैं इसका। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिखा देती हूँ मैं आपको नीचे, यहाँ तक आपका ये आंसर है। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड ने भी अभी अपनी TMA फाइल नहीं बनाई है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड के साथ। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आपको 100 से 150 वर्ड्स में आंसर देना पड़ता है। यहाँ पर अगेन जो है हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि 2 कलाकार कहानी में आपको कौन सी कलाकार अधिक प्रभावित करती है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। आंसर कुछ यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, और कुछ यहाँ से आपका आंसर जाएगा नीचे की, और पहले यहाँ तक लिखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो में पोस्ट करती जा रही हूँ बीच बीच में। आगे फिर यहाँ से है, अरुणा एक ऐसी लड़की है जो स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। तो यहाँ तक टोटल आपका ये आंसर फिट बैठता है क्वेश्चन नंबर 4। 2 पैरा में मैंने इसमें डिवाइड कर दिया है इसको।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अब हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से फिर आपको देखिए दो में से एक आंसर देना है। 100 से 150 वर्ड लिमिट है इसकी, 6 को यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है। तो इसमें है विराटा की पद्मिनी, ये आई थिंक कट गया है, तो ये विराटा हो गया है, पूरा बेटा विराटा की पद्मिनी ये उपन्यास का नाम है। इसकी संवाद योजना पर उदाहरण टिप्पणी करनी है, कहीं कहीं थोड़ी सी मिस्टेक रह जाती है, आई होप यू गाइज विल इग्नोर इट, इग्नोर करेंगे आप लोग। तो आंसर है कि भी विराटा की पद्मिनी उपन्यास में पात्रों के संवाद भरे पड़े हैं। वास्तव में डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा ने कथा वस्तु प्रस्तुत करने के लिए जहां जहां दृश्यात्मक शैली का प्रयोग किया है वहां पात्रों का वार्तालाप सहज रूप में आ गया है। इस तरीके से आप यहां से आकर लिखेंगे, फिर और मैं स्क्रॉल करके इसको नीचे ले जाती हूँ। अधेड़ अवस्था का दरबारी लोचन सिंह ने जो अपने सन के स्वभाव के लिए यहाँ तक लिखेंगे, फिर एक और पैरा है उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे जा रहे हैं हम लोग। तो टोटल आपका जो है ये आंसर बैठता है यहाँ तक। कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपको किस सब्जेक्ट का टीएमए का सोल्यूशन चाहिए आप ये भी कमेंट करके बता सकते हो कि मैम मुझे उस वाले सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन आप प्रोवाइड करा दो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जिस क्वेश्चन का आपको सबसे ज़्यादा वेट रहता है या फिर आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाता, थोड़ी दिक्कत आती है बनाने में, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, परियोजना, जिसको हम इंग्लिश में प्रोजेक्ट बोलते हैं। आंसर देख लेते हैं इसका। भाई वर्तमान समय में सोशल मीडिया का अत्यंत प्रचलन है, आप अपने 5 मित्रों के साथ जो है मिलेंगे और सोशल मीडिया के लाभ और हानियों पर चर्चा करेंगे। आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया अत्यंत का जो प्रचलन है बढ़ गया है, 5 मित्रों से मिलना है भाई, एक एक करके आप लिखते चले जाओ कि पहला मित्र ये कह रहा था, दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने ये कहा। तो किस कोई भी आप नाम लिख दो, उसमें कोई फिक्स नहीं है कि पूजा ही लिखना है। अगर मैंने पूजा लिखा है तो भाई पहला मित्र है आपका पूजा, पिंकी चिंकी, कुछ भी आप लिख सकते हो। उससे मिलकर आप थोड़ा सा इसको चाहे अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, थोड़ा और बना बना कर लिख सकते हो, मुझे जो वर्ड्स ठीक लगे वो मैंने लिख दिया यहाँ से आता है। फिर दूसरा मित्र आपका राहुल है, वो क्या कहता है, प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। देखिए लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते, जस्ट आप लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपका वेट कर रहे हैं, उन सभी वीडियोस का, यूजफुल वीडियोस का लाभ उठाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए तीसरा देख लेते, फिर तीसरा मित्र क्या कहता है, तीसरा मित्र नाम लिख सकते हैं कुछ भी आप, मनीषा है, ठीक है। तीसरे मित्र के बारे में, शेयर विद योर फ्रेंड दिस वीडियो गाइस, प्रमोशन करना पड़ता है बीच बीच में, आप लोग तो शेयर करते हैं कभी कभी, मतलब कर भी देते हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। पांचवा मित्र है प्रिया, जिसका मैंने नाम दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो। फिर आपको लास्ट में सोशल मीडिया के लाभ बताने हैं। PDF के लिए अगेन आई कैन रिमाइंड यू दैट व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9312777273। तो PDF फाइल के लिए आप इस ग्रुप से जुड़ जाइए। सोशल मीडिया के कुछ लाभ पॉइंट्स के थ्रू मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, 1 2 3 4 5 करके। इस तरीके से आप इन सभी लाभ को लिखिए और TMA में लाभ कमाइए भाई, अच्छे से TMA बनाइए। पाई स्टडी सर्कल हमारा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी यूजफुल वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं। सोशल मीडिया की हानियाँ बतानी है फिर आपको, तो ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपके सामने हानियाँ रख दी हैं, पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, देन थर्ड पॉइंट है हमारा सोशल मीडिया की हानियों में अगर हम बात करें तो, और फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका ये 4th पॉइंट पर हमारी वीडियो होती है फिनिश, मतलब आपका प्रोजेक्ट का आंसर भी होता है फिनिश। गर्ल्स आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी, आप अपने TMA फाइल को आराम से बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे मिलिएगा और वहाँ पर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। इसके अलावा आपको किस TMA के सोल्यूशन में दिक्कत आ रही है आप ये भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिलेबस से लेकर रिलेटेड वीडियोस चल रही हैं, जैसे कि आपका हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, पेंटिंग हुआ, SST हुआ, इन सभी यूजफुल वीडियोज़ का लाभ उठाने के लिए और अपना सिलेबस कम्प्लीट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा आप जो है अपना फीडबैक शेयर करिएगा थ्रू द कमेंट सेक्शन। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे विद द डिफरेंट सब्जेक्ट के सोल्यूशन के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी, थैंक यू सो मच, बाय।